नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम गोरखपुर लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट और इससे संबंधित जो भी डिले आ रहे हैं इन सबको देखेंगे। दोस्तों, अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन के मल्टीपल मॉडल को फैसिलिटेट किया जाता है एज पर डोमेस्टिक डिमांड, और इसकी फिजिबिलिटी डिपेंड करती है कि यहाँ पर कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की अपार सफलता के बाद कई सिटीज में मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम को प्रपोज किया गया। दोस्तों, मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम एक हैवी मेट्रो या फिर हाई कैपेसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं जो कि अंडरग्राउंड इंटीग्रेटेड और एलिवेटेड होते हैं। मास रैपिड सिस्टम में कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। इसके कई सारे प्रोज हैं, तो कई सारे कॉन्स हैं। अगर हम प्रोज की बात करें तो ये एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि सिटी के अंदर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है जो कि कम्यूटर्स के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा ये रोड ट्रांसपोर्ट का अल्टरनेटिव मीडियम होता है। इसके अलावा इसके डेवलपमेंट से CO2 एमिशन है ये भी रिड्यूस हुआ है एज पर मैनी स्टडीज। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बहुत कम लैंड की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन है जिस शहर के अंदर जहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं हो सकती है। सड़कों के बीच में पिलर्स बनाए जाते हैं और एलिवेटेड सेक्शन ऐसे डेवलप होता है। इसके अलावा जहाँ पर ये भी सुविधा नहीं होती है वहाँ पर अंडरग्राउंड सेक्शन डेवलप किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों एक बहुत ही अच्छा मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन दोस्तों इसके कई सारे कॉन्स भी हैं। जैसा कि आपको बताया कि मास रैपिड सिस्टम, इससे कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन इसके मैनेजमेंट और ऑपरेशन में बहुत ज्यादा खर्च होता है। इसके निर्माण कार्य में बहुत ज्यादा खर्च होता है, उसके बाद इसके मैनेजमेंट और ऑपरेशन में भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। ये सही मात्रा में पैसेंजर्स कैटर नहीं कर पा रही है, इसको बहुत ज्यादा कैपिटल लॉस भी होता है, इसीलिए हाई रिस्क में इसे हम रख सकते हैं। टियर 1 सिटीज के अंदर ये सफल रही है, लेकिन जब इसको टियर 2 सिटीज के अंदर लॉन्च किया गया तो वहां पर ये अभी स्ट्रगल कर रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि फेल्ड हो गई है, बट स्ट्रगल कर रही है, प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है। वेल दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन के और भी कई सारे मीडियम है जैसे कि मोनोरेल, वॉटर टैक्सी, हाई स्पीड ट्राम, रोपवे, मेट्रो लाइट एटसेट्रा। दोस्तों, इंडियन सड़कों पे ट्राम को डेवलप करना बहुत मुश्किल है ड्यू टू हैवी कंजेस्टेड पॉपुलेशन। इसके अलावा ट्रैफिक, जो ट्राम का सिस्टम है ये बहुत पुराना सिस्टम है। हालांकि ये काफी एडवांस हो गया है, बट ये ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही पुराना मीडियम है। इसके अलावा रोपवे जो कि बहुत नया मीडियम है, ये भी कई सिटीज के अंदर प्लांट किए गए हैं। अब हम बात करते हैं मेट्रो लाइट की। तो यहाँ पर दोस्तों मेट्रो लाइट टीए 2 और टीए 3 सिटीज के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम बन सकता है। 16 अगस्त 2017 को यूनियन कैबिनेट द्वारा न्यू मेट्रो पॉलिसी को अप्रूवल दिया गया। इसके तहत यहाँ पर पीपीपी कॉम्पोनेंट को मैंडेटरी किया गया फॉर मेनी प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अदर इनोवेटिव फॉर्मूलाज को भी अप्रूव किया गया मेट्रो प्रोजेक्ट्स के फाइनेंसिंग के लिए। वहीं अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जैसे कि ट्राम सिस्टम, लाइट मेट्रो, रोपवे, इन सबको भी अपनाने की बात की गई। इसके अलावा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया गया। दोस्तों, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता यह है कि जो स्टेशन के बगल का एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन आती जाती रहती है, वहाँ पर इस प्रकार का डेवलपमेंट हो ताकि लोग आसानी से जो भी उनका डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच पाए। इसके अलावा यहाँ पर अर्निंग के लिए कई सारी कॉमर्शियल स्पेस को भी डेवलप किया जाना है। मेट्रो लाइट की बात करें तो दोस्तों मेट्रो लाइट अर्बन ट्रांसिट सिस्टम है और इंडियन सिटीज के अंदर इसको प्लान किया गया है विद लो राइडरशिप प्रोजेक्शन। फीडर सिस्टम है एग्जिस्टिंग मेट्रो नेटवर्क का जो कि लो पैसेंजर कैपेसिटी रखता है। ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों जो मेट्रो की फंक्शनिंग होती है उसकी जो कॉस्ट होती है उसके मुकाबले इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। यहाँ पर दोस्तों इसके लिए भी डेडिकेटेड ट्रैक बनाए जाते हैं जो सड़कों से अलग होते हैं, और इसका जो अलाइनमेंट होता है ये इंटीग्रेटेड होता है और डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, फिर ये एलिवेटेड भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इसके जो रोलिंग स्टॉक होते हैं ये स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। 3 कोचेस की मेट्रो यहाँ पर होती है, वहीं 2000 से 5000 पैसेंजर पीक आर की कैपेसिटी इन कोचेस की होती है। इनकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है। यहाँ पर ट्रैक 1435 mm स्टैंडर्ड गेज के होते हैं। दोस्तों, ट्राम और लाइट मेट्रो को एक साथ डेवलप किया जा सकता है एज पर डिमांड इन सिटी स्पेस, क्योंकि चाइना के अंदर ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जहां पर ट्राम और लाइट मेट्रो को एक साथ डेवलप किया गया है। ट्राम और लाइट मेट्रो दोनों सिस्टम है और उनको लगभग एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को एक साथ जोड़ता है, इस प्रकार का डेवलपमेंट वर्क किया गया है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है ड्यू टू ह्यूज स्पेस इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, बट जो अपकमिंग ग्रीनफील्ड सिटीज है वहां पर इस मीडियम को यूज किया जा सकता है। अब दोस्तों यहां पर जो अंडरग्राउंड सेक्शन का डेवलपमेंट होता है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है एज वेयर कम्पेयर टू एलिवेटेड सेक्शन। 4 times ज्यादा यहां पर ये
कॉस्टली होता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट करना मुश्किल होता है, वहाँ पर अंडरग्राउंड सेक्शन को प्रमोट किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेट्रो लाइट की। तो दोस्तों मेट्रो लाइट, अब दोस्तों यहाँ पर गोरखपुर सिटी का एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपको बताऊंगा क्यों यहाँ ट्राम इम्पॉसिबल है। दोस्तों ट्राम इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कें 2 लेन 3 लेन 4 लेन की मैक्सिमम होती है और वहाँ पर स्पेस की कमी होती है। अगर यहाँ पर ट्राम जैसा नेटवर्क डेवलप करने का अगर प्लान भी सरकार करेगी तो ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों लाइट मेट्रो का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी इंटीग्रेटेड अलाइनमेंट होता है, लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड अलाइनमेंट को डेवलप करेंगे तो वो गोरखपुर जैसी सिटी के लिए जहाँ पर हाई कंजेस्टेड ट्रैफिक है वहाँ पर मुश्किल है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन और वहाँ पर जो भी हाउस उसके बीच में आएंगे उनका डिस्ट्रक्शन, इसमें बहुत सारा खर्च लग जाएगा जो कि ओवरऑल मेट्रो लाइट की जो कॉस्ट है इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। वहीं बात करें हम एलिवेटेड सेक्शन की तो वो काफी फिजिबल यहाँ पर लगता है। गोरखपुर में 2 एलिवेटेड लाइन प्रपोज हैं विथ 27 स्टेशन, जिनकी टोटल लेंथ 27.41 किलोमीटर होने वाली है। वहीं इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 4,672 करोड़ है, जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट है और ये बहुत ज्यादा नहीं है एज वेल कम्पेयर टू मास एवी सिस्टम, बहुत ही कम है अगर आप कंपेयर करेंगे। बट दोस्तों ये जो एस्टिमेशन है ये 4 से 5 साल पुराना है, तो इन्फ्लेशन के कारण अब इसकी कीमत बढ़ गई होगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज वाराणसी बहुत ही महत्वपूर्ण शहर होने वाले हैं जहाँ पर लाइट मेट्रो को प्रपोज किया गया है। इसके अलावा बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, इन शहरों में भी इसको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो लाइट मेट्रो का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर होगा वो प्रयागराज वाराणसी और गोरखपुर के अंदर होगा, देन उसके बाद बरेली और फिर अदर सिटीज में इसको डेवलप किया जाएगा। अब बात करते हैं डिले क्यों होता जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यूपी MRCL का फोकस अभी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के डेवलपमेंट में है और उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा, कानपुर और लखनऊ के अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है। अब दोस्तों यूपी के अंदर कोई भी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डेवलप नहीं होगा आगरा, कानपुर, लखनऊ के अलावा। इसके अलावा जितना इससे एक्सपेक्ट किया गया था कि राइडरशिप होगी उतनी राइडरशिप भी नहीं मिल रही है। हालांकि फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन अभी दोस्तों ये उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों यूपी MRCL ने जिस प्रकार से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है वो सराहनीय है, लेकिन दोस्तों दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि ये जो मास एपी सिस्टम है ये इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए अब इनका जो एक्सपांशन है वो थोड़ा धीरे हो गया है। एक्सपांशन के अलावा अब दोस्तों फोकस लाइट मेट्रो पे होने वाला है, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड का अप्रूवल हो, उसी के बाद यहाँ पर आगे कुछ काम हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों अभी जितने भी लाइट मेट्रो प्रपोज किए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उनके डेवलपमेंट में काफी समय लगेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर यहाँ पर इस पर काम शुरू हो जाएगा। इनकी कोई डेडलाइन नहीं है इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि कब इन पर काम शुरू होगा, फिर भी दोस्तों यही अनुमान है कि आने वाले 2-3 सालों में इस पर काम शुरू होगा, क्योंकि तब तक बहुत सारी जो मास रैपिड सिस्टम की लाइन्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।